जून 2020 को चीनी सैनिकों ने भारत को सबसे बड़ा धोखा दिया। चीन के धोखे में भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया, जिसके बाद से चीन और भारत के बीच तनाव और बढ़ गया। चीन नाटक करता रहा और भारत उसकी चाल को समझते हुए उसके साथ शांति से पेश आता रहा। ऐसे में सलाम है उन सैनिकों के जज्बे को, जो न दिन देख रहे हैं न रात, न धूप देख रहे हैं न छांव, परिवार की चिंता भी छोड़कर देश की इज्जत और उसकी संप्रभुता पर कोई आंच न आ जाए उसको बनाए रखने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। इन जवानों को सलाम, ऐसे फौलादी जिगर रखने वाले सैनिकों के माता पिता को सलाम, क्योंकि बेटे को सीमा पर भेजना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी देश की सेवा में लगे बेटे के लिए ऐसे माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा रहता है। लद्दाख में रहने वाले एक परिवार ने ऐसी ही वीरता का उदाहरण पेश किया है, जिनके एक नहीं बल्कि दो दो बेटे लद्दाख सीमा पर तैनात हैं। परिवार के सदस्यों का सीना गर्व से चौड़ा है कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो बेटे सीमा पर देश सेवा में तैनात खड़े हैं। सैनिकों के पिता कहते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर वो बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। कम्युनिकेशन से भी टच नहीं रहता सर, हमारा दूरी रहता है बच्चा से, लेकिन फोन पर भी बात नहीं हो पा रहा है। तो एज अ पेरेंट आपको पेरेंट डर नहीं लगता? डर क्या लगना है सर, डर लग गया तो फौज में लड़के को नहीं भेजता सर। सर मेरा दूसरा लड़का भी तैयार हो रहा है, ये भी जाना चाहता है, ये जबरदस्ती भेजना है भेजना सर इसको। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच में लद्दाख सीमा को लेकर तनाव जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को पराजित करने के लिए तत्पर तैयार खड़ी हैं। 15 जून को चीन ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया था। की लगी लाठियां और नुकीले हथियार लेकर चीनी सैनिकों ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला बोला था, जिसमें भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया था। नुकसान तो चीन का भी हुआ था, चीन के भी काफी सैनिक मारे गए थे, हालांकि चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और अपने देश के सैनिकों की गिनती भी बताने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। कहा था कि इससे दोनों देशों के बीच माहौल खराब हो सकता था, जो कि पहले ही हो चुका था। तब से लेकर आज तक चीन भारत से बातचीत का ढोंग तो रच रहा है, लेकिन बातचीत के मुताबिक पीछे नहीं खिसकता। और फिर अब तो चीन पाकिस्तान की मदद लेकर पीछे से भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। कश्मीर मुद्दे के बहाने भारत को चोट देना चाह रहा है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन को भारत के आगे सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है और कुछ भी नहीं। फिलहाल आप हमें कमेंट करिए, बताएं कि जो जवान सीमा पर तैनात होते हैं उनके माता पिता उनके परिवारों के लिए आपके मन में कैसी भावना रहती है, और जिस परिवार के दो बेटे हों और दोनों ही अगर लद्दाख जैसी सीमा पर तैनात हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।